केरल के स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन को श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलने वाली बोर्ड प्रेसिडेंट 11 का कप्तान बनाया गया है। शनिवार को होने वाले इस प्रैक्टिस मुकाबले में सैमसन टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे। संजू सैमसन के अलावा केरल के 3 और खिलाड़ियों को बोर्ड प्रेसिडेंट टीम में जगह मिली है। बोर्ड प्रेसिडेंट की टीम में हैदराबाद, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब की टीम के खिलाड़ियों को जगह मिली है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी के 5वें दौर में ये चारों ही टीमें नहीं खेल रही हैं। बोर्ड प्रेसिडेंट और श्रीलंका के बीच 2 दिवसीय प्रैक्टिस मैच शनिवार को खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट सीरीज का आगाज 16 नवंबर से होगा। पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा। वैसे आपको बता दें कि संजू सैमसन को बोर्ड प्रेसिडेंट टीम का कप्तान बनाना एक दिलचस्प खबर है, क्योंकि मौजूदा दौर में विकेटकीपर एमएस धोनी की बल्लेबाजी पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। T20 टीम में उनकी जगह पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसे वक्त पर संजू सैमसन बोर्ड प्रेसिडेंट टीम के कप्तान बने हैं, जो कि T20 में बड़ी तेजी से बल्लेबाजी कर सकते हैं और शानदार विकेटकीपर भी हैं। ऐसे में क्या टीम मैनेजमेंट उनको धोनी के विकल्प के तौर पर देख रही है? ये सवाल हर भारतीय फैन के जहन में जरूर आ रहा है। प्ले मीडिया रिपोर्ट।